हर चीज लाभ और नुकसान के तराजू से नहीं तोलनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में जो हिंदुस्तानी है, किसी भी पद पर क्यों न हो, उसके दिल में एक चीज रहती है कि मेरा देश आगे बढ़े। और अगर हिंदुस्तान का थोड़ा सा भी गलत खबर उसको मिलती है तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। वो दूर होता है तो ज्यादा उसके मन को ये चीजें चुभती है। हम यहां रहते हैं तो रोजमर्रा 10 चीजों से गुजरते हैं तो ज्यादा आदि भी हो जाते हैं, वो नहीं होता है। वो बहुत ही भारत के प्रति लगाव रखता है लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है, चैनल नहीं मिलते हैं। हमने नीति आयोग में भारत के विकास पर डायस्पोरा की ताकत को स्वीकार किया है, उसके बेसिक चीजों में स्वीकार किया है। दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है जिसके पास अनुभव है, ग्लोबल एक्सपोजर है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, देश के लिए कुछ ना कुछ करने का इरादा है, और वो जहां भी हैं भारत के प्रति उसका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ है, तो उससे हमें अपने से अलग क्यों रखना चाहिए, उसे नाता तो जोड़ना चाहिए। और वो कभी न कभी भारत का सच्चा एम्बेसडर बनेगा। और मैंने देखा है कि सरकार के मिशन के ज्यादा हमारे भारतीयों के व्यवहार के कारण और उनके संबंधों के कारण भारत की पहचान की ताकत ज्यादा उभरती है। तो मिशन प्लस डायस्पोरा दोनों इकट्ठी होती हैं तो अनेक गुना बढ़ जाती है। तो मेरी ये भूमिका रही और उसका बहुत लाभ मिल रहा है पूरे देश।